खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और देवभूमि विकास संस्था के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान उन्होंने देवभूमि विकास संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और देवभूमि विकास संस्था के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करके देवभूमि विकास संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान की संपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से साल 2009 में रिप्सना टू ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए 4 नवंबर को पुनः इसे शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत पौधारोपण के साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पर्यावरणीय जो संकट खड़ा हो रहा है, रिस्पना नदी जिसमें कभी 12 महीने पानी बहता था, आज वो नाले के रूप में है। तो उसके लिए हम लोग 4 तारीख देवोत्थान एकादशी के दिन रिस्पना के उद्गम स्थल पर हम उसका संकल्प लेंगे और फिर उसमें तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सहयोग लेकर के स्थानीय लोगों के सहयोग से इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि विकास संस्थान विशेष रूप से जन जागरूकता का काम करेगी।